Hello friends, welcome back to my channel. A very happy Navratri to all of you guys. I hope कि आप ये नवरात्रि के जो डेज है अपनी फैमिली के साथ अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे और अपना जो टाइम है अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे. सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है मेहंदी लगाने की, वो सब सीख रहे हैं. तो क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी, तो इसलिए फिर मैंने एक सीरीज चला दी जिसमें आप लोगों को मैं जो मेहंदी लगाने की जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ. तो आज की ये वीडियो भी उसी ट्रिक का एक हिस्सा है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखिए, यहाँ पे जो हमने ये डिज़ाइन बनाया, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, हमने क्या किया है, सेलो टेप जो होती है उससे कोई पर्टिकुलर शेप बना ली है, जितना मुझे एरिया ठीक ठाक लगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको भी सेम ऐसे ही पैटर्न फॉलो करना है. ये पैटर्न मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ये वाला पैटर्न बनाया है. इसमें हमने क्या किया, एक एरिया से स्टार्ट किया है, फिर बीच में एक तरह से वी बना है जैसे कि आप देख ही रहे हैं ऊपर की तरफ, और जो टेप के बीच वाला एरिया है इसमें हमने बेसिक फिलिंग एलिमेंट्स फिल किए हैं. आप देखिए, ये हम क्या बन रहे हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं ये कटवर्क. कटवर्क का जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी वेरिएशन सिखाई हुई हैं, उन सब वीडियोस के जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनका जो लिंक है मैं आपको आई बटन में दे दूंगी. आप जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ी सी, और बहुत ही ईजिली आप बना पाओगे. अब देखिए, क्योंकि ये जो हमने बीच वाला पोर्शन है, अब हम ऊपर जो एरिया बचा हुआ है उसे कवर कर रहे हैं. यहाँ पे हम जो फ्लावर की वी शेप है वो ड्रॉ कर रहे हैं. मैंने ऑलरेडी आपको फ्लावर की डिफरेंट शेप सिखाई हुई हैं, तो उन सब वीडियोस का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आप देख लीजिएगा कि और वेरिएशंस क्या हो सकती हैं. पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको जो डाई मेहंदी होती है उसका भी ट्यूटोरियल दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाइएगा, ज़रूर देखिएगा. उसे इंस्टेंट मेहंदी भी बोलते हैं, वो बहुत ही जल्दी लग जाती है. अब देखिए, चलिए थोड़ा सा डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं. यहाँ पे हमने देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट. अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो फिंगर्स पे हैं हम एक ही तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जिसे हम टीयर ड्रॉप एलिमेंट बोलते हैं, और हम यहाँ जो ईयरबड्स हैं उनकी हेल्प से इसको ड्रॉ करेंगे. मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में ये मेंशन कर चुकी हूँ, ठीक है. तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, मुझे ये वाला तरीका बहुत ईजी लगता है. इवन मेरी सिस्टर को, जिनको बिल्कुल मेहंदी लगानी नहीं आती, उनको भी ये तरीका ईजी लगा, तो उनके सजेशन पर मैंने फिर अब ये सोचा कि चलो ये वाला तरीका मैं बता देती. लाइक जिनको ऑलरेडी लगाना आता है वो तो मतलब मेहंदी से ही लगा लेंगे, लेकिन कॉटन बड की हेल्प से थोड़ा सा इजी हो जाता है. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ऑलरेडी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, अभी नवरात्रि हैं, फिर अष्टमी आएगा, फिर दशहरा आएगा, मतलब अब एक तरह से पॉजिटिविटी दिखती है कि जैसे कि आपको पता है कि पूरा साल हम लोगों का कैसे गया है, तो अब काफ़ी अच्छा अच्छा देखने को और मिल रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे, पड़ोस में एंड ऑल थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है. तो मैं होप करती हूँ कि इसी पॉजिटिविटी के साथ हमारा ये जो आने वाले आगे के जो कुछ दिन हैं बहुत अच्छे जाएं. तो अब देखिए, जो हमने फिंगर पे बनाया ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, और जो हम इसकी आउटलाइन है, देखिए आउटलाइन के लिए मैंने आपको बताया था, जब डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद ही आपको आउटलाइन करना है. और अब हम ये जो सेलो टेप है इसे उतार देंगे. अब देखें, एज अ बिगिनर आपके लिए क्या टिप है कि जब हम सेलो टेप लगाते हैं ना, तो आप कोशिश ये करें जिस जिस एरिया में सेलो टेप लगाया है, सेलो टेप के दोनों तरफ आप लाइंस ड्रॉ कर लें. मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं करे क्योंकि मुझे पता है मेरे को एक अंदाज़ा है, लेकिन बिगिनर को थोड़ा सा नहीं होगा, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ये ड्रॉ करने में. तो यही टिप है कि दोनों साइड्स ना टेप जहाँ जहाँ लगे टेप्स के साइड पर लाइंस ड्रॉ कर लें, और कोशिश ये करें कि थिक वाली लाइन ही ड्रॉ करें, क्योंकि अगर पहले फिल कर देंगे ना तो फिर स्पेस नहीं बचेगा लाइन ड्रॉ करने के लिए. अब यहाँ पे देखिए, नेगेटिव एलिमेंट जो हमने बनाया था ना, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम उस स्पेस को थोड़ा कवर करने की कोशिश करें. आप चाहे तो ना राउंड 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 भी बना सकते हैं. मैंने तो यहाँ पे जो ये पैटर्न है वो यूज़ किया. आप कोई भी जो बेसिक शेप होती है ना अंदर बनाए, चाहे तो एक छोटा सा फ्लावर बना दे और उसके चारों तरफ मेहंदी फिल कर दे, बहुत ईजी है ये, ज़्यादा टफ नहीं होता है. फिर भी अगर आपको सीखनी है तो ट्यूटोरियल जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा. थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा आप लोगों को और बहुत ईजिली आप बना पाएंगे. आप हम यही करें, बेसिक जो फ्लावर पैटर्न है वो यहाँ पर ड्रॉ करें जैसे कि आप लोग देख रहे हैं. अब ये देखिए, दो लाइन्स के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है इसमें मैंने बिल्कुल जो लाइन्स पैटर्न है ना वो यूज़ किया है. आप चाहे तो हार्ट शेप बना ले बीच में, जो राउंड्स है वो बना ले, और जो बचेगा ना एरिया उसके चारों तरफ आप नॉर्मली मेहंदी फिल कर दी.
सो गाइस, मेरा ना ये चैनल जो एक टेक्निकल चैनल नहीं है, बट फिर भी मुझे ठीक ठाक जानकारी है. तो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. बस आपको क्या करना है, बस मुझे पिंग कर देना इंस्टाग्राम पे, और जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. तो आप वहाँ पर जाएँ और वहाँ से मुझे पिंग कर दें. आई जस्ट गेट बैक टू यू. एंड कई बार ऐसा होता है कि आपने जिस वक्त मैसेज किया है, मे बी मैं उस टाइम पे बिजी हूँ, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है. मेरे को जब भी टाइम मिलेगा आई डेफिनेटली रिप्लाई योर मैसेजेस. और जैसे कि मेरे फ्रेंड्स को पता ही, मैं सबकी हेल्प करती ही रहती हूँ. मुझे अच्छा लगता है यार, मेरी वजह से ना अगर किसी की थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है. क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन लोगों को ड्यूरिंग दिस सफ़र बहुत सारी प्रॉब्लम सबको आती हैं. तो जिनका सोल्यूशन मेरे पास है, या क्योंकि मैंने भी वो प्रॉब्लम फेस करी है, तो मैं आपकी हेल्प कर पाती हूँ. अगर मुझे वो नहीं पता, मे बी मैं कहीं से पता करके आपको बताऊंगी, लेकिन आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज. क्योंकि मैंने देखा है शुरू शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो कोई हेल्प करने वाला नहीं था. तो अब थोड़ा बहुत जब नॉलेज हो गई है, तो मैं क्यों ना आप लोगों की हेल्प करूँ. तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं और बिना हिचकिचाए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, जैसे जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, आपको पता है उनके ऑलरेडी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो सबकी शिकायत रहती है कि वो लोग उनको रिप्लाई नहीं करते. आप खुद सोचो ना प्रैक्टिकली, ठीक है, वो इतने बिजी हैं ऑलरेडी, तो वो कैसे आपके मैसेजेस का रिप्लाई करेंगे. ठीक है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है ना, तो आप अपने कैटेगरी वाले यूट्यूबर से हेल्प मांगो, लाइक सेम कैटेगरी और जिस जो आपके लेवल को, लाइक अगर मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं सेम लेवल का हो, ठीक है, तो वो आपकी अच्छे से हेल्प कर पाएगा. बड़े यूट्यूबर आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं. आप कोशिश ये करें अपने सराउंडिंग वाले से हेल्प मांगे. मान लो अगर आपने 10 लोगों से हेल्प मांगी, उनमें से एक ना एक ज़रूर आपकी हेल्प करेगा. ठीक है, तो आप हेल्प मांगें, जिसको जितनी नॉलेज होगी वो ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ. सो गाइस, अब देखें ऑलमोस्ट ये डिज़ाइन कम्प्लीट हो गया है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कॉमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलेगी. सो गाइस अ वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. आई होप कि आपकी जो लाइफ है खुशियों से भर जाए. स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी. बाय बाय.